हाय गाइस, वेलकम टू माय लर्निंग पॉइंट एंड आई एम विथ यू प्रिया मिश्रा। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली ये रिजल्ट कब तक आ सकती है इसके बारे में मैं बात करूंगी विथ वैलिड फैक्ट्स। सो दिस नोटिस हैज बीन रिलीज्ड बाय द एनटीए ऑन 6th of January 2024 एंड इन दिस नोटिस दे हैज रिटन दैट The National Testing Agency conducted the Joint Central Scientific and Industrial Research University Grants Commission's National Eligibility Test, that is Joint CSIR NET exam, on this date, and total 219,146 candidates has been appeared in this examination. एंड जो टाइम ड्यूरेशन है आंसर चैलेंज करने का वो आप देख सकते हैं, 6 से लेके 8 तक का टाइम दिया गया था एंड टुडे इज 9th of January 2024। सो अभी जितने भी क्वेश्चंस कल तक चैलेंज हुए आपके पास 2 डेज का टाइम था एंड इस 2 डेज के टाइमिंग में जितने भी क्वेश्चंस आपने चैलेंज करे हैं वो सारे क्वेश्चंस इस एजेंसी के पास गई होगी। जो आपको आंसर की अभी दिया गया है वो प्रोविजनल आंसर की है, दैट मीन्स कि जब पेपर प्रिपेयर होता है उस टाइम अलॉन्ग विथ आंसर की भी प्रिपेयर होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक आध होते हैं या तो जिनके सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं होते या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होते हैं या फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होते, तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस बोनस होते हैं, कुछ में करेक्शन होके ऐसा आता है कि बोथ 2 और 4 आंसर विल बी करेक्ट एंड कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप किए हुए केस में और बोनस के केस में सबको मार्क्स होता है, बेसिकली दोनों सेम थिंग है। और जो क्वेश्चंस में 2 आंसर करेक्ट होते हैं तो यदि आपने दोनों में से कोई भी पिक किया है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बोनस एंड ड्रॉप्ड क्वेश्चन का भी सेम सीन है, यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एंड देन वो फाइनल आंसर की रिलीज किया जाता है आफ्टर आपने जो भी फैक्ट्स के साथ आंसर की को चैलेंज किया है कि इसका ये आंसर सही हो सकता है। और ऑन दैट बेसिस एक पूरी कमिटी होती है और वो सारा कुछ एनालाइज करती है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज उन्होंने एक आंसर ऑलरेडी दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पास चैलेंज हो जाता है और उसके इन सारे प्रोसेसेस में लाइक जो भी उनके पास चैलेंजेस गए हैं फिर उन कमिटी को रिव्यू करने में एंड देन ये डिसाइड करने में कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा और देन फाइनल आंसर की वो लोग प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको साइट पे रिलीज किया जाता है और उसके साथ आपका स्कोर भी आपको दे दिया जाता है कि दैट मच यू आर स्कोरिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन और वट एवर योर सब्जेक्ट इज। तो इन सारी चीज़ों में आप खुद सोच सकते हैं कि 7 to 10 days का टाइम भी लग सकता है और मोर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से कमिटी वर्क कर रही है और किस तरीके की चीज़ें इनके साथ हो रही है। So I am guessing by the end of January exam result will be declared by NTA. उससे पहले chances नहीं है, मैं end of December की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि ये थोड़ा सा और extend हो जाए because आपके final answer की और जो एक score card होता है वो एक दिन के आगे पीछे ही दे दिया जाता है and then एक इसके बाद एक final result आती है जिसमें cut off लिखी होती है और cut off में ये लिखा होता है कि for general candidates for JRF this is the cut off and for द रिजर्व कैंडिडेट ये है कटअप। तो थोड़े से वक्त इसमें लगते हैं एग्जामिनेशन से बाकी जो रिजल्ट का एंड प्रोसेस है 1 to 1.5 months, 1.5 months का टाइम लग जाता है। सो आई होप आपको चीज़ें अभी समझ में आ गई होगी जिस तरीके से हमने समझाया। सो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे उन्होंने प्रोविजनल आंसर की से अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा, जो बॉर्डर लाइन पे है वेट कर सकते हैं या बेटर ये होगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें अगेन। जिनका मार्क्स सपोज्ड है जनरल कैंडिडेट्स हैं वो लाइफ साइंस की मैं बात करूंगी, यदि उनका 115 मार्क्स से मार्क्स नहीं आ रहा है या फिर 100 से आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आपको अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज जो नेक्स्ट वाला सीएसआर होगा फिर आप 6 मंथ में अपीयर हो सकते हैं। यदि आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको 1 मंथ ऐसे रिजल्ट के वेट में चला जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो Wish you all the very best guys for your result and as well as your preparation. मिलते हैं next video में। आपको कोई भी doubt है comment section में आप drop कर सकते हैं, along with आप मेरे telegram channel को भी join कर सकते हैं, वहाँ से आप direct interact कर सकते हैं मुझे से।
किसी भी टाइप का कोई भी आपको यदि डाउट है तो. थैंक यू गाइज.